हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आरबी क्यों बैंक्स को बोल रही है कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें और जो एक्सचेंज को वो सर्विस दे रहे हैं वो बंद कर दें। तो गाइस, मेरा नाम है हरदीप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट आपको जल्दी मिलती रहे। तो रूमर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और ये रूमर्स लगभग सच भी लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स, न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं कि आरबीआई जो है इनफॉर्मली जो बैंक्स को बोल रहा है कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, उनके अकाउंट्स बंद करें और जो जितने भी टाइज हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबको वो ख़त्म करें, क्योंकि जो मार्केट है हाईली स्पेकुलेटिव है। तो इसलिए आरबीआई चाहता है कि बैंक्स को सर्विस देनी नहीं चाहिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को। हालांकि इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आरबीआई की तरफ जो है कोई पक्के तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है और जो रूमर्स हैं वो सिर्फ लोगों के थ्रू निकल के आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि रूमर्स हर जगह से आ रहे हैं, हर वेबसाइट, हर न्यूज़पेपर में है। तो जो एक्चुअल रीज़न जो बताया जा रहा है वो बता रहा है कि इसमें जो है जो भारत का पैसा वो भारत से बाहर जाएगा, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें कि आरबीआई कंफर्टेबल नहीं है। तो आरबीआई नहीं चाहता कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, वो भारत का पैसा भारत से बाहर ना जाए। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये के कोई भी करेंसी परचेस करते हैं और आप अपने किसी ब्रदर, कज़न, फ्रेंड, किसी को भी यूएस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना ईजी है। एक सेकेंड में आप अपने वैलेट से उनके वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ का 1,00,000 रुपये वहाँ चला गया बिना किसी रीज़न के, बिना कोई गवर्नमेंट को फीस दिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फेमा एक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो उसके अंडर जो है पैसा यहाँ से वहाँ जाना चाहिए प्रॉपर रीज़न के साथ, क्यों जा रही है, कौन भेज रहा है, किसे भेज रहा है, और जो इनकम जनरेट हुई यहाँ से उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आप 100 करोड़ रुपये उठाए और क्रिप्टो करेंसी परचेज करके किसी बंदे को भेज दी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि डीरेगुलेटेड मार्केट है। तो इस वजह से आरबीआई कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहती है कि जो पैसा है वो फीमा एक्ट के अंदर ही यहाँ से जो है बाहर किसी देश में जाए, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस कम हो। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है बैंक्स को पुश कर रही है कि आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड ना कीजिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अमेरिका में जो है क्रिप्टो करेंसी, इवन बैंक्स इशू कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, वो सिस्टम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर तो यही है, तो वो सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से बैंक्स और क्रिप्टो करेंसी को मिला जुला के ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू कि बैंक सर्विस प्रोवाइड कर सके। और हमारे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वही बोल रहा है कि आप, साफ बोल रहा है कि आप सर्विसेज जो देना है बंद कीजिए। इससे पहले भी हो चुका है, 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइंस इशू किए थे कि आप सब कुछ ही बंद कीजिए, तो तब सारी जो है एक्सचेंजेस बंद हो गई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो इसमें लंबी सुनवाई हुई और जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनकी जीत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बैंक्स जो हैं वो जब तक गवर्नमेंट कोई बिल नहीं लेके आती तब तक क्रिप्टो करेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सचेंजेस को। तो एक बहुत बड़ी जीत थी, हम सबकी जीत थी, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनकी जीत थी। तो उसके बाद से काफ़ी मार्केट में बूम आया, बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आरबीआई कंफर्टेबल नहीं है। दोबारा वो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोल सकता, बट आई थिंक इनडायरेक्टली वो उनको जो है टारगेट कर रहे हैं। और बहुत सारे बैंक्स हैं जो सर्विसेज देना बंद कर रहे हैं, जिनमें कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा, और अभी सुनने में आ रहा है कि इंडसइंड बैंक भी जो है एक्सचेंजेस को सर्विसेज देना बंद करेगा। तो अगर ये सब कुछ होता है तब नुकसान तो अल्टीमेटली हमारा ही है, एक्सचेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिक्कत है हम सबको। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन तो इसमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही लेके आएगी। जब वो कोई बिल लेके आएंगे तो इधर वो टोटली उसको बैन करेंगे, या फिर वो कुछ रेगुलेशंस लेके आएंगे जिसके थ्रू कि ये काम चलेगा। तो जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बिल नहीं लेके आती तब तक ये ऐसे चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि शायद आरबीआई प्रेशर बनवा के बैंक से ये सब कुछ बंद भी करवा सकती है। तो जिससे क्या है कि जितने भी मार्केट है वो सब थम जाएगा, सब रुक जाएगा एक जगह पे। तो फिलहाल तो वेट कीजिए गवर्नमेंट कब बिल लेके आती है। गवर्नमेंट खुद अभी कोविड में, कोरोना वायरस में बिजी है, तो किसी को पता नहीं कि एक्चुअली कब बिल आएगा और कैसा बिल आएगा। तो फिलहाल तो दुआ कीजिए कि काम चलता रहे, सभी बैंक्स ना मना करें, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक के पीछे दूसरा बैंक जो है सर्विसेज बंद कर रहा है। ये हम सब देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग टाइमली डिपॉजिट नहीं कर पाते, कई बार विड्रॉ नहीं कर पाते, है ना। तो ये इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होती दिख रही है, तो अच्छी बात नहीं है हम सब के लिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को सर्विस दे सकते हैं, तो आरबीआई क्यों टांगड़ा रहा है बीच में? तो गाइस, फिलहाल उम्मीद कीजिए कि गवर्नमेंट कोई अच्छा बिल लेके आए, ऐसा बिल लेके आए कि जिसमें हम सब का भला हो, हम लोग फ्रीली ट्रेड कर सकें क्रिप्टो करेंसी पे। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कि आरबीआई क्यों प्रेशर बना रहा है बैंक्स के ऊपर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, ये सही मूव है या नहीं है, और बैंक्स को क्या आरबीआई की बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बोल चुका है कि आप जो सर्विस दे सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे।